अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फबीहा फातिमा। जैसे कि पाकिस्तानी मशहूर टिकटॉकर्स उमर भट्ट और जन्नत मिर्जा की मोहब्बत के किस्से हर जगह सुनाए जाते थे, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि हाल ही में दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और अपनी स्टोरीज के थ्रू इन्होंने ये सब पर बात वाजे कर डाली कि ये दोनों अब एक दूसरे के साथ मजीद रिलेशन में नहीं है। इससे पहले भी दोनों ने एक बार मंगनी तोड़ी थी, मगर वो इनकी मामूली सी लड़ाई थी, मगर इस बार जन्नत मिर्जा ने उमर भट्ट के सारे पोल खोल कर सबके सामने रख डाले। जन्नत का कहना था कि हर बात छोटी मोटी लड़ाई पर तो मैं कवर कर लेती हूँ, लेकिन मैं उमर भट्ट को बहुत पसंद करती थी इसलिए इन्हें खोना नहीं चाहती थी। लेकिन लड़कियां लड़कों को लेकर ज्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं और फिर अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद लेती हैं। ऐसी ही फीलिंग्स जन्नत मिर्जा ने भी उमर भट्ट के लिए रखी, लेकिन उमर भट्ट किसी और में दिलचस्पी लेने लगे। यहाँ तक कि जन्नत मिर्जा का ये भी कहना था कि उमर भट्ट मुझे दिन में एक घंटा टाइम भी नहीं देते थे और हर वक्त ऑनलाइन रहकर भी मुझसे बात नहीं करते थे और एक हिसाब का मुझे मेरी औकात याद दिलाई गई है। वैसे अगर इन दोनों के बारे देखा जाए तो उमर भट्ट को देखकर ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये जन्नत मिर्जा को इतनी आसानी से छोड़ देंगे, लेकिन दोनों के माबैन ताल्लुकात आजकल ज्यादा ही बिगड़ गए और जन्नत मिर्जा हो या कोई भी लड़की, ये हरगिज नहीं चाहेगी कि उनकी जिंदगी में किसी तीसरे की आने की वजह से दुश्वारी आए। और उमर भट्ट को अगर कोई लड़की पसंद भी थी तो पहले ही जन्नत मिर्जा से मंगनी ना करते। तो आप उमर भट्ट और जन्नत मिर्जा के बारे क्या कहना चाहेंगे कि क्या इन्हें अपने मामला ठीक करके एक दूसरे को दोबारा अपना लेना चाहिए या फिर एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।